स्टूडेंट्स, लेसन फोर हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है, लैंगिक संवेदनशीलता उनके साथ नहीं की जाती है जबकि उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, अलग अलग दृष्टि से एक दूसरे में अंतर किया जाता है, ये देखा था। आज हम पढ़ेंगे घरेलू काम का मेल, अर्थात जो घरेलू काम होता है। घरेलू काम का मतलब हो गया घर का कार्य, घर का कार्य अर्थात घर का कार्य होता है उसका मूल्य किस प्रकार से होता है, या फिर मूल्य होता भी है या नहीं होता, ठीक है। और वैसे तो हम जानते हैं सामान्य रूप से कि जो घरेलू कार्य होते हैं अर्थात जो जैसे महिलाएं घर का कार्य करती है तो उसका मूल्य नहीं होता है, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं तो जैसे इसमें एक कहानी दे रखी है, हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत का घर का जो काम है वो करती है वह वास्तव में काम था, अर्थात जो महिलाओं का काम होता है ना घर का, अर्थात महिलाओं का जो घरेलू कार्य होता है, घरेलू कार्य होता है उसे काम ही नहीं समझा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बाहर जाके कार्य कर रहा है, पैसे कमा रहा है या कोई खेती का काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तो काम हो गया, उसको तो लोग क्या समझते हैं कि तो काम है। लेकिन अगर महिलाएं घर का काम कर रही है तो उसको तो लोग समझते नहीं है भाई ये काम है, काम तो ये भी है, ठीक है, और ये घर का काम ज़्यादा है, ठीक है, इसमें हमेशा बिजी रहता है आदमी। लेकिन महिलाएं जब घर का कार्य करती है या घरेलू कार्य करती है तो लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है, मतलब काम ही नहीं मानते इसको क्या नहीं मानते, इसको तो काम ही नहीं मानते भाई, तो काम ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि उनके परिवार की ऐसी जो भावना है ना वो सभी लोगों की है, एक व्यक्ति की नहीं है, सभी लोगों की यही मानसिकता है भाई घर में जो काम होता है वो काम है नहीं है। काम कौन सा है, जो लोग बाहर जाके करते हैं, जैसे पैसे कमाना हो या कोई खेती बाड़ी काम करना हो या कोई सामाजिक कार्य, वो काम है। घर का जो घरेलू काम है ना वो तो काम है नहीं है, ठीक है। और महिलाओं की ऐसी स्थिति समझी जाती है, दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारियाँ आप जानते हो किसकी होती है, घर का कार्य कौन करता है, घर के कार्य की जो जिम्मेदारी होती है अर्थात घरेलू कार्य की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी होती है, तो महिलाओं की होती है। किसकी होती है, महिलाओं की। अर्थात हम समाज में किसी भी वर्ग में जाएंगे तो जो घरेलू कार्य है उस घरेलू कार्य के लिए अर्थात घरेलू कार्य कौन करेगा, महिलाएं करेगी, ठीक है। अधिकतर हमको ये देखने को मिलता है कि महिलाएं क्या काम करती है, घरेलू कार्य करती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, जैसे बच्चों की देखभाल। अब बच्चों की देखभाल का कार्य तो कौन करेगा, महिलाएं करेगी, ठीक है, बच्चों की देखभाल हो गया। इसके अलावा परिवार का ध्यान रखना ये कार्य भी कौन करेगा, ये कार्य भी महिला करेगी। इसके अलावा विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों या बीमार लोगों, इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी देखभाल भी महिला ही करेगी। इसके अलावा और भी कई कार्य हैं, जैसे साफ सफाई का कार्य, इसके अलावा खाना
बनाना, ठीक है। ये कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, अर्थात ये कार्य फिक्स कर दिए हमारे समाज ने, क्या कर दिया, महिलाओं के साथ भेदभाव कर दिया। समाज के बाहर के कार्य, चाहे से कोई सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, बाहर जाके कोई काम करना है, ये तो पुरुष करेंगे, घर का काम महिलाएं करेंगी, फिक्स कर दिया। अब महिलाओं की स्थिति ऐसी बना दी कि महिलाएं क्या करेगी, घर के कार्य जैसे बच्चों की देखभाल का काम है तो कौन करेगी, महिला करेगी। परिवार का ध्यान रखना है, महिला करेगी, विशेषकर बच्चों से, बच्चों को, वृद्धों को, बीमारों को, इनको देखने का काम महिलाएं करेंगी। साफ सफाई का कार्य, बर्तन वर्तन साफ करने का कार्य महिलाएं, खाना बनाने का कार्य महिलाएं, अर्थात घर की जितनी भी जिम्मेदारी है ना वो सारी की सारी महिलाओं को प्रतोप दी गई, अर्थात महिलाएं कार्य करेंगी। और इनको स्वाभाविक समझा जाता है, क्या समझा जाता है, स्वाभाविक, अर्थात महिलाओं का काम ही यही है, इनको क्या समझा जाता है, स्वाभाविक, अर्थात समाज ने क्या कर दिया, स्वाभाविक स्थिति उत्पन्न कर दी, महिलाएं यही काम करेगी, इसके अलावा नहीं करेगी। वर्तमान में स्थितियां बदल रही है, वर्तमान में स्थितियां बदल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो अब धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। इसके अलावा पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात ये जो घरेलू काम होते हैं इनका तो मूल्य है ही नहीं, मूल्य भी ही नहीं है, अर्थात जो घरेलू काम करेगी महिला, चाहे से वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितना भी कार्य करे, ठीक है, सुबह से लेकर शाम को कितना भी कार्य करे वो, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका मूल्य नहीं है, अर्थात पैसे देने का। घर में अगर हमारे माताजी या हमारी सिस्टर घर में काम करती है, खाना बनाती है, साफ सफाई करती है, घर को संभालती है, तो क्या पैसे देते हैं क्या उनको उस काम के? नहीं देते, क्यों? क्योंकि लोगों ने माना सब मूल्य है ही नहीं, घरेलू काम का मूल्य होता है, बाहर काम करते हैं उसका मूल्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके की धारणा बना दी लोगों ने, तो उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। समाज का इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता, अर्थात जो हमारा समाज है वो समाज जो घरेलू कार्य होते हैं ना इनको ज़्यादा महत्व नहीं देता, इनको महत्व प्रदान नहीं करता। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की स्थिति किस तरीके से है। सबसे पहले तो कल हमने ये देखा था बालक और बालिकाओं में विभिन्न प्रकार से अंतर किया जाता है, अंतर किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था खान पान में अंतर होता है, अर्थात प्राचीन वर्तमान में तो स्थितियां बदल रही है, लेकिन अगर हम प्राचीन समय की बात करते हैं, परंपरागत हम हमारे इतिहास को देखते हैं, तो हम ये पाएंगे कि जो लड़का और लड़की है उसमें अंतर किया जाता था, खान पान संबंधी अंतर, जैसे जो लड़का है उसके खाने पीने का ध्यान ज़्यादा रखा जाता था और लड़कियों का ध्यान नहीं रखा जाता था, लड़कों को घूमने के लिए बाहर जा सकते थे वो, लड़कियां नहीं जा सकती थी। इसके अलावा खेलने के लिए जो ज़्यादा सुविधाएं हैं वो लड़कों को प्राप्त कराई जाती थी, लड़कियों को नहीं कराई जाती थी, ठीक है। अच्छा, लड़कियों को घर में रहने के लिए कहा जाता था, लड़के आ जा सकते थे कहीं पर भी, ठीक है। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनमें भी लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लड़कियों को नहीं दिया जाता था, लड़कियों को घरेलू काम करवाए जाते थे, लड़कों को नहीं करवाए जाते थे। शिक्षा में जो पुरुष वर्ग है उसको ही जोड़ा जाता था, अर्थात लड़कों को शिक्षित किया जाता था, लड़कियों को नहीं किया जाता था। आज भी हमारे राजस्थान की बात करें तो आधी महिलाएं अनपढ़ हैं, हमारा साक्षरता प्रतिशत है 52.10, इसका मतलब ये है कि लगभग अभी भी 48% महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, आधी स्त्रियां राजस्थान में अभी भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो इससे हमें यही पता लगता है कि भेदभाव किया जाता था। पुरुषों की जो संख्या है शिक्षित वर्ग की, ठीक है, वो लगभग 80% के आसपास है राजस्थान में, यानी 79.20 है, ठीक है, और महिलाओं की 52.10 है। तो ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप यही तो बताता है कि बालक और बालिकाओं में अंतर किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, और उसके बाद आज हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं को घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, जिनमें वो बच्चों की देखभाल का काम करती है, परिवार का ध्यान रखती है, इसके अलावा विशेष रूप से जैसे बच्चों वृद्धों इनकी वो देखभाल का कार्य करती है, बीमार की देखभाल का कार्य करती है, साफ सफाई का कार्य करती है, खाना बनाना हो गया, और फिर इनका कोई मूल्य और नहीं होता, अर्थात
ऐसा नहीं है घरेलू कार्य किए जाएंगे तो उसके बदले में उसको मूल्य दिया जाएगा, मूल्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा, महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा और घरेलू उनका जो मूल्य है मूल्य नहीं होता इसके बारे में पढ़ा। ओके।